वर्धा जिले के चाणकी गांव के किसान ने अपने 3 एकड़ में चने की फसल लगा रहा है। खेत से सटी नहर का पाइप फटने से पानी खेत में गया और सारा पानी किसान के चने में चला गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों ने लघु सिंचाई विभाग से भी शिकायत की है कि नहर का पाइप फूट गया है, लेकिन संबंधित विभाग ने ध्यान नहीं दिया। नहर का पानी किसान के खेत में घुस गया और 3 एकड़ में लगा चना पूरी तरह भीग गया। इससे किसान को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसान नामदेव भोयर ने इसकी शिकायत संबंधित विभाग से की है। किसानों ने नुकसान के मुआवजे की मांग की है। मैं नामदेवराव भोयर, राणा चाणकी, तहसील हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा। माझी चाणकी मोजामध्ये ही मी मक्त्यानी शेती केली, गंगाधर मंदी यांची, आणि 4 एकरा मी चना टाकला आणि लोअर वर्धेची पाईपलाईन फुटल्याच्यानं माझ्या शेतामध्ये पूर पाणी साचलं, चना पाण्याखाली गेला, त्याच्यामुळं पूर्ण नुकसान झालं आणि कोब फुटले पूर्ण चण्याला। तरी हे शासनाकडे मी पाठपुरावा केला अर्ज वगैरे, परंतु कोणी शासनाचा अधिकारी माझ्या शेतात आलेले नाही आणि मला मदतीची हाक दिली नाही। त्याच्यामुळे मी एवढी विनंती करतो का झालेले नुकसान मला मिळण्यात यावं अशी अपेक्षा करतो। BCN News के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।